अगर खुद को थोड़ा और फैशनेबल बनाना है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगा था और मैं हेड सेव भी कराने वाला था, जैसा कि मैंने आपको मेरी हेयर मिस्टेक्स वाली वीडियो में बताया भी है। पर वहीं इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक होम रेमेडी ने मेरा हेयर फॉल एकदम से नॉर्मल कर दिया और अब मैं हेड सेव भी नहीं कराने वाला हूँ। चलो सीधा मुद्दे पे आता हूँ। इन सब बातों से मेरा मतलब है कि कुछ नेचुरल और इफेक्टिव होम रेमेडीज की मदद से आप अपने हेयर लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, और मैंने कर लिया तो आप भी कर लोगे ना बॉस। और मुझे छोड़ के तो बिल्कुल भी मत जाना, बिकॉज इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट 5 इफेक्टिव एंड नेचुरल होम रेमेडीज टू स्टॉप हेयर फॉल। और लास्ट में मैं आपको वही होम रेमेडी बताऊंगा जिसने मेरे हेयर फॉल को कंट्रोल करने में, मेरे हेयर फॉल को रोकने में बहुत ज्यादा मदद की है। अब आप समझ लो आपको क्या करना है। हेलो जेंटलमैन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैशन वाला यार। माय नेम इज नितेश। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड बी ए मेंबर ऑफ आवर फैशन वाला यार फैमिली। सबसे पहले जिसके घर में एग्स अलाउ हो वही इस होम रेमेडी को यूज करिएगा। अबे एग मार्क्स लगाने के लिए चौराहे पे थोड़ ना जाओगे, जाने दो मम्मी से फालतू में पिट जाओगे तुम, ठीक है? तो आप अगली होम रेमेडी का यूज कर सकते हैं। एग्स सल्फर, फास्फोरस, सिलेनियम, आयोडीन, जिंक और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। अबे भाई तुम इतना समझ लो कि ये तुम्हारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये हेयर ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। इसे यूज़ करने के लिए आपको एक एग वाइट को एक बाउल में निकाल लेना है और फिर इसमें एक एक चम्मच ऑलिव ऑयल और हनी ऐड करना है, और फिर इसे अपनी रूट से टिप तक लगाना है। लगाने के बाद 20 मिनट तक वैसे ही छोड़ देना है, और जब ये सूख जाए तो इसे किसी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है बस। ग्रीन टी में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने में और हेयर फॉल को स्टॉप करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। इसे यूज़ करने के लिए आपको 2 से 3 टी बैग्स लेने हैं। अगर आपके हेयर ज़्यादा बड़े हैं तो आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं। फिर इसे गर्म पानी में भिगो दें, और जब ये ठंडी हो जाए तो इसे अपने स्कैल्प पे, अपने हेयर पे डालते हुए हल्के हल्के हाथों से मसाज करें, एंड लास्ट में 1 घंटे बाद इसे ठंडे पानी से धो लें। बस हो गया काम, समझे भैया? ये आपके हेयर फॉल को कम करने के साथ साथ आपके हेयर को बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा सिल्की भी करेंगे। इसे यूज़ करने के लिए आपको 2 चम्मच योगर्ट यानी दही लेना है, और इसमें 1-1 चम्मच हनी और लेमन मिलाना है। फिर इसे मिक्स करके किसी ब्रश की मदद से अपने स्कैल्प और अपने रूट्स पे लगा लेना है। फिर 30 मिनट्स तक सूखने देना है, कुछ भी नहीं करना है, और 30 मिनट्स बाद ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। आपको इसे हफ्ते में कम से कम एक बार तो ज़रूर से ज़रूर करना है, और जिसको ड्राई एंड रफ हेयर की प्रॉब्लम है उसके लिए तो ये एकदम संजीवनी बूटी की तरह वर्क करेगी। मैं आपको बता दूं, एलोवेरा हेयर ग्रोथ और हेयर लॉस के मामले में सबसे इफेक्टिव होम रेमेडी, और ये इचिंग और फ्लैकिंग जैसी हेयर प्रॉब्लम से भी लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इसे यूज़ करना तो आपको आता ही होगा अगर आप फैशन वाला यार के सब्सक्राइबर होंगे, और अगर नहीं हो तो भाई कर दो यार, कुछ भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी, एकदम से फ्री है। खैर, इसे यूज़ करने के लिए आपको एक एलोवेरा का डंठल लेना है, फिर उसमें से आपको एलोवेरा को निकाल के अपने हेयर और अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगा लेना है। फिर उसे लगभग 30 मिनट या 1 घंटे बाद आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, और आप और बेहतर रिजल्ट के लिए इसे वीक में 3 से 4 बार ज़रूर यूज़ करें। इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ स्कैल्प इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और इसमें सल्फर हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव भी करता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब ऑनियन जूस को निकाला कैसे जाए? भाई कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। भाई आपको प्याज को मिक्सर में पीसना है, फिर इसे निचोड़ कर इसके जूस को निकाल लेना है, और फिर क्या, इसे अपने हेयर पे, अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगा लेना है। और आप इसे रुई या मैं तो स्प्रे बॉटल की मदद से स्प्रे कर लेता हूँ, आपको जो ईजी लगे आप वो करिएगा। फिर इसे 20 से 30 मिनट तक वैसे ही छोड़ दीजिए, जब ये सूख जाए तो इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए भाई हर अल्टरनेटिव डेज पे। इसे 1 वीक तक यूज़ करके देखिए, डिफरेंस आपको खुद दिखेगा। ये आपके
भाई की गारंटी है। तो भाई मैंने अपना सारा ज्ञान आपको दे दिया, अब आपकी बारी है, आप भी मुझे रिटर्न में जरूर दीजिए। देखो मैं तुम्हारे लव और सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और अगर इस छोटे से यूट्यूबर की मेहनत आपको कहीं भी दिखी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नई स्टूडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, सायोनारा।